हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है उनके लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। लाइफ सर्टिफिकेट आप सभी को पता है कि अब समय आने वाला है जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होंगे और उसी लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के बाद आपको आपकी पेंशन और फैमिली पेंशन कंटिन्यू आगे रह पाती है। बट बहुत सारे पेंशनर्स को अभी भी जो है ऐसे होते हैं जिनको समय पर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कैसे सर्टिफिकेट करना है और क्या चीज़ें हैं, उसके रिगार्डिंग बड़ी अपडेट देने वाला हूँ मैं। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी अपडेट आपको 18 मंथ्स के डी और डीआर के एरियर्स पर देने वाला हूँ। दोनों की दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा अभी से और साथ ही साथ चैनल को इसी सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब नेक्स्ट मंथ से अक्टूबर और नवंबर मंथ में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स या लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होंगे। ऐसे में पेंशनर्स को अब गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम नए नए इंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं, नए नए मीडियम्स लेकर आए हैं जिसके तरीके से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो केवाईसी करवाना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, अब बैंकों के थ्रू भी आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जैसे कि प्रीवियस सालों में भी ऐसा होता रहा है कि अक्टूबर मंथ में जो सीनियर सिटीजन है यानी बहुत ज़्यादा 75 या 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स हैं उनका समय होता है, और नवंबर मंथ में नॉर्मल जो पेंशनर्स हैं 60 से बाकी रिमेनिंग ईयर्स के उनका पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो अभी से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए आप सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स जुटा लीजिए क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्राउड हो जाता है, और इसी क्राउड को टैकल करने के लिए बैंक्स और पोस्ट ऑफिस और बाकी जो अदर जो मीडियम्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट कई सारी चीज़ें सहज रखती है जिससे पेंशनर्स को अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, और आप भी इसलिए सारी चीज़ें रख लीजिए। अब दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है आपके 18 मंथ्स के डी ए और डी आर के एरियर्स पर। अभी प्रिंट मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर आई है कि जैसे ही कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का पेंशनर्स का जो जुलाई 2023 का डी ए और डी आर का अनाउंसमेंट होता है उसके बाद में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उसके 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के यूनियंस और फेडरेशंस लगातार सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे, और लेकिन हालांकि सरकार ने लिखित आंसर भी कई बार दिया है लोकसभा और राज्यसभा में भी कि आपको 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत कर रही हैं और उन्होंने सरकार से नेगोशिएशन की सिचुएशन में भी आने को बोला था और रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि सरकार जो है कम से कम 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी सरकार जो है डीए और डीआर का जो एरियर्स है उसको प्रोवाइड कर सकती है। अब आगे आने वाले दिनों में जब जुलाई 2023 का डीआर और डीए का जो है अनाउंसमेंट होगी उसके बाद में ये देखना होगा कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो प्रोवाइड कराया जाता है या नहीं कराया जाता है। आप कमेंट में, आप अगर चाहते हैं कि आपका डीए और डीआर का जो एरियर्स है 18 मंथ्स का वो आपको आपके खातों में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ना भी लिखिएगा, नो भी लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।